सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से आप पशुपालकों के लिए कुछ पशुधन लेके हाजिर हुए हैं, जिसकी रूटीन से डिमांड भी रहती है और प्रयास भी हमारा वीडियोज के जरिए आपको अच्छे पशु दिखाने का रहता है। तो आज जो भी पशुपालक पहली बार कवरेज को देख पा रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्रयास बारंबार आपको अच्छा और उमदा क्वालिटी का मुर्रा पशुधन दिखाने का रहता है। आज की डिमांड जो मैं कहूं, चाहे बिक्री का काम करने वाला हो या मैं बात करूं सोशल मीडिया पे जो वीडियो, आज की जो डिमांड है उसी को देखते हुए हम आज फिर से पहुंच चुके हैं गांव अहमदपुर पड़तल डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा से। ये वीडियो लेके आ रहे हैं, सामने आप डॉक्टर मोनू को देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे और युवा पशुपालक हम कहेंगे। और इनका जो डेयरी फार्म है जिया डेयरी फार्म के नाम से, इनका एड्रेस या इनका जो मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र आप सामने देख पा रहे हैं। तो आज इनके पास फिर से कुछ प्रेग्नेंट तोकड़ बाखड़ी भैंसे हैं, इनके बारे में जानकारी लेते हैं, आपको मिलवाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, एक विश्वासमंद पशुपालक हम कहेंगे, जिन्होंने लगभग जितना भी वीडियो हमारे चैनल पे आई हैं कुछ ही टाइम के अंदर पशु सेल किया है। क्योंकि फील्ड का सबसे ज़्यादा अगर अनुभव कहें तो हम या तो किसी डॉक्टर का या किसी पशुपालक का होता है, क्योंकि लगभग फील्ड कवर करते हैं पशुओं, चिकित्सक हैं युवा। तो सामने आपको दो भैंसे दिख रही हैं, तो इनसे मिलवाएंगे और डिटेल से जानकारी लेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। भाई मंजीत नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे डेयरी फार्म आने पर। भाई साहब धन्यवाद जी। तो शुरुआत आज पहले नंबर की भैंस से करें, तो क्या कुछ जानकारी इसके बारे में बताएं? भाई साहब ये तीसरे टाइम में बच्चा देगी। जी जी। कोई भाई ये सबसे बड़ी भैंस है। जी जी। अच्छे खुट्टे से ले रखे, खुट्टे की भैंस है। जी जी, जमींदार से ही लिए डायरेक्ट। तो और 6.5 महीने प्रेग्नेंट है। जी जी। और दूध से ड्राई हो रही है, 20 दिन हो गए। नीचे की अपनी फुल गारंटी रहेगी, नीचे की थनों की गारंटी होगी, फुल गारंटी रहेगी भाई साहब। और कितना दूध निकाला इसने पिछले लेक्चर में? दूध तो ये लोहा पे मानने के कितने कहते हैं किसी जैसे ही नहीं, 21 किलो दूध काटे का तोल का दे रखा है। जी जी जी। अभी 7 की प्रेग्नेंट है? नहीं 6.5। 6.5 की। 6.5। और अभी कौन से ब्यात में बच्चा देगी अगली बार? तीसरे टाइम में बच्चा देगी भाई साहब। दूसरे ब्यात में अभी है और तीसरे के लिए प्रेग्नेंट है। एक बार खोल के इधर ले आओ इसको। तो 21 किलो दूध कांटे के तोल का जो निकाल रखा है इनका बताना, 6.5 महीने की प्रेग्नेंट, यानी मात्र 4 महीने की मेहनत। सींग की क्वालिटी शरीर पे जमता हुआ, बहुत ही शानदार सींग। और ये देखिए पीठ पुठे की बात करें तो कोई जोड़ी नहीं है इस भैंस का, ये देख सकते हैं आप। साइज की बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज है, और 21 किलो 20 किलो के दूध की भैंसें काफ़ी हैं। क्योंकि मेन बात करें डॉक्टर हैं, फील्ड का अनुभव सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जेड ब्लैक कलर ये देखिए, और पीठ की चौड़ाई अभी जो ड्राई की है, थनों की गारंटी होगी इनका। ये स्पेशली पशुपालकों को बता रहे हैं, पीठ पुट्ठा इतना चौड़ा कि किसी बुल का भी नहीं मिलता। मात्र 4 महीने बाद जो भी पशुपालक लेगा, मैं कहूंगा 21-22 किलो दूध की भैंस उनके घर पे होगी। और ये चीज दिखाओ भाई साहब। जी जी, पूरी सब कह देते हैं भरे की चीज। बिल्कुल, जो सिंगल एक पतली चादर की जो भैंस आपको ड्राई पीरियड पे दिखाई दे, आप मानिए एक अडर का साइज भी बहुत ही अच्छा बनाती है। क्योंकि हम फील्ड कवर करते हैं, अच्छा खासा अनुभव रहता है पशुओं का कि कौन सा पशु किस टाइप का है। कुछ ही बाल टेल में व्हाइट है। तो रेट डॉक्टर साहब? भाई साहब रेट मौके के करेंगे, मौके का ही, जिस हिसाब से ग्राहक लगेगा उसी हिसाब से रेट है। आगे दूसरे नंबर वाली भैंस है उसके बारे में और बताएं। भाई साहब ये बीती से टाइम में बच्चा देगी। जी थोड़ा उस साइड बोल दीजिए, थोड़ा जगह का अभाव जरूर है, पशु फिर भी हम कवरेज में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बार काविंग करेगी, दूसरे ब्यात में अब की बार ये भी है। और 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है भाई साहब। 7.5 महीने की जी। और दूध का क्या कुछ पीछे का रिकॉर्ड? इसका 20 किलो का है। 20 किलो का? जी 20 किलो दूध, 7.5 महीने की प्रेग्नेंट, यानी मात्र 2.5 महीने ही बाकी हैं। एक बार इधर ले आओ इसको, बाहर ले आओ। बिल्कुल ब्लैक मैं कहूंगा टेल, कुछ बाल अंदर व्हाइट, एक दो चार हो सकते हैं, बाकी बिल्कुल ब्लैक है। दोनों भैंस पीठ पुठे का साइज ये देखिए, बहुत ही शानदार फेस वैल्यू। अब की बार हम कहेंगे इनकी अब तक की जितनी भी भैंसें दिखाई हैं सबसे शानदार सिलेक्शन इन्होंने पशुओं का किया है। और मात्र 2.5 महीने जो इसके काविंग करने के हैं, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खुले शरीर की
और पशुपालक भी बार बार यही डिमांड करते हैं कि अच्छा पशुधन दिखाएं। तो अच्छे पशु बार बार फील्ड से निकल के नहीं आते, तो चलो डॉक्टर साहब हर घर में जाते, एक पर्सनल अनुभव है, खुद चेक पास करके पशु लेते हैं तभी गारंटी देते हैं। ये देख सकते हैं नीचे से जो थनों की क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार, और सबसे मेन चीज जब दोनों भैंसें एक लेवल पे खड़ी होती हैं तो आप देख सकते हैं कोई छोटे साइज की भैंसें नहीं है, फुल साइज की हैं, काफी भाई साइज के हिसाब से खरीदते हैं। तो इसकी भी थनों की आपकी गारंटी होगी, फुल गारंटी रहेगी भाई साहब, थनों की उस भैंस की भी गारंटी डॉक्टर साहब ले रहे हैं। इधर आप मैं कहूंगा एक काफी शानदार बेजोड़ हीफर हम कहेंगे, आज मार्केट में इस हीफर की टक्कर में शायद कोई हीफर हो, क्योंकि इतनी क्वालिटी आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगी, चाहे वो हाइट की बात करें। एक यंग कटड़ी दोनों जो भैंसे हैं उनको हाइट और लेंथ में दबा रही है। तो डॉक्टर साहब इसका क्या कुछ जानकारी है भाई साहब? मंजित बात ऐसी है, ये सोमवार के साहिल भाई के पास वीडियो बनवाई थी जी जी, एक इस कटड़ी की एक बाघड़ी की जी जी, तो बाघड़ी भैंस तो गई है अपनी, उसके पास दो कटिया पहले जा चुकी है जी जी, उस भाई ने खूब रिक्वेस्ट करी कटिया दे दो, एक भाई ने ली थी कड़ी नाते ने जी जी, 3,000 पे साई गेर दी थी पहले फोन पे जी जी, और कल ये जानी थी जी, कल बोले भाई साहब मेरा बजट नहीं है मैं नहीं लूंगा, आप अपनी कहीं पर बेच लो जी जी। तो भाई साहब मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी भाई जैसे पशु बेचता है जी, 2-4 हजार साई बेच सकना आ गिराओ जी जी जी, हाँ सीधी बिड़ती है तो 5,000 रुपए 10,000 रुपए भाई की इच्छा हो तो लो नहीं मत लो। हाँ एक मान के चलिए एक आदमी के कारण पता नहीं कितने लोगों को मना किया होगा, कम से कम 500 फोन आए होंगे भाई साहब, कम से कम 500 फोन जी 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 जी। तो क्या कुछ जानकारी है इसकी बताएं? जानकारी है भाई साहब अर्जुन कुंगड़ की है जी, कोई भी भाई टेस्ट करा ले होगी तो खर्चा धनी का लगेगा, नहीं मेरा खर्चा लगेगा जी जी, ठीक है जी। और 8 मार्च को 21 महीने की हो गई है जी जी, और है जब तो 8 मार्च को 1 महीने की नई भी है जी जी, ज्ञापन है, ज्ञापन है जब तो जी जी जी, क्योंकि 1 महीने की फिर वही बात आपकी सही है तो ही कहने में फायदा है, नहीं तो कुछ भाई कहेंगे कि 1 महीने की वीडियो में बता देते हैं, अगर है तो 1 महीने की है, इसको अगर खाली करके किसी पशुपालक को दे और कल को ये प्रेग्नेंट निकले वो एक झूठ कहलाएगी। इन्होंने स्पष्ट कहा है अगर कंसीव किया है तो 1 महीने की है, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल छोटे सींग की फुल साइज की ब्यूटी में बात करें तो कंपटीशन लेवल की कटड़ी है, कहीं मेले कंपटीशन में आप खड़ी कर सकते हैं। आजकल वीडियोस में काफी भाई बोलते हैं 5 स्टार होगी 3 स्टार होगी, बला इसकी इतना दूध फलाना दिक्कत, एक ब्यूटी कंपटीशन में ना दूध मैटर करता है। आज हीफर को कोई भी कंपटीशन से किसी भी जगह से किसी भी एंगल से निकालता है, तो मैं कहूंगा या तो हमारा अनुभव नहीं है या फिर अगला कोई सिफारसी बंदा निकाल दे, तो भले ये देखिए मैं कहूंगा सुंदरता का तो कोई जोड़ ही नहीं इस हीफर का, बिल्कुल छोटा सा हेड, छोटे सी सींग, छोटे से इसे छोटा सींग हो भी नहीं सकता, काफी भाई सींग के साथ छेड़छाड़ करवाते हैं, बिल्कुल नेचुरल सींग है ये, कोई छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल कन्नी वाला दाने जो आपको दाना दिखाई देता है छोटे छोटे डॉट डॉट ये सींग में, ये यही दर्शाते हैं कि सींग के साथ कितनी छेड़छाड़ हुई है। पुट्ठा आप देख सकते हैं, उधर भैंसे देख पा रहे हैं, इधर एक हीफर को देख पा रहे हैं, तो आप आंकलन कर सकते हैं कि क्या चीज बनेगी। नीचे से भी बहुत ही अच्छी, अर्जुन एक चैंपियन बुल है जिसने हरियाणा में अच्छे अच्छे जो बड़े बुल हुए हैं कहीं ना कहीं ले जी जी, अदंत कटड़ी बता रहे हैं, खीरी दिखाओ जी, ये देखिए बिल्कुल मिल्क टीथ में है, ये देखिए बिल्कुल खीरी कटड़ी मिल्क टीथ के अंदर, एक बार घुमा के ले आओ बार। और मैं कहूं कंपटीशन लेवल किस लिए बोल रहे हैं कि इस कटड़ी में वो सब चीजें हैं जो आजकल मेले में हम एक से एक अच्छी हीफर देखते हैं, कहीं ना कहीं तुलना करें तो क्या पता भैंस से भी हाई रेंज की आज ये कटड़ी हो सकती है, लेकिन इसको वही खरीदेगा जिसको एक अच्छे पशु का अनुभव होगा, नहीं तो एक 60,000 वाली या 50,000-20,000 वाला पशु भैंस या बात करें हीफर आपको 20-25 में भी मिल जाएगी, और हीफर आपको एक अच्छी हीफर क्या पता 1.5-2 लाख में भी ना मिले, वो भी कटड़ियां हैं जो जन्म देते 4-4.5-3 लाख की बिकती हैं। तो अच्छे पशु, अच्छे रिकॉर्ड के पशु आजकल बोलने को बोल दे कोई भी मिलते नहीं। तो डॉक्टर साहब इसकी मदर का मिल्क कितना बता रहे हो भाई साहब? इसकी मदर का है 18.5 किलो फर्स्ट टाइम में, 18.5 किलो फर्स्ट टाइम, पड़ोस गांव से ले रखी है, अभी यही बात कहता हूँ पड़ोस गांव से ले रखी है पालावास से ही जी जी, नजदीक के गांव से ही खरीदी है। तो एक बार अपना संपर्क नंबर बताएं, 98173 जी जी 76173 जी,
इनका मोबाइल नंबर रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है, किसी भी तरह के अदर जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फिर से हम आपको इनका जो मोबाइल नंबर वहां भी दिखा रहे हैं, सामने इनका जो डेयरी का पोस्टर लगा हुआ है उस पे भी, और कोई भी भाई पशुधन खरीदना चाहता है इनसे संपर्क कर सकता है। हम एक श्योरिटी देते हैं कि कोई भी अगर ऑनलाइन भी पशु लेता है तो कोई गलत बंदे के हाथ में उनकी पेमेंट नहीं जा रही, क्योंकि जितना करते हैं साफ सुथरा करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें ताकि हर उस पशुपालक तक हमारी वीडियो पहुंचे जो अच्छी क्वालिटी का पशुधन खरीदना बेचना या देखना चाहता है। सभी जुड़े, अपना कीमती टाइम दिया। एक बात और कहेंगे जी, देखो जो भी धनी लेते हैं यहाँ पर आके ले जाता है वो घना अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहते भाई हम ड्राइवर के हाथ पैसे दे देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई साहब अपने साथ। बिल्कुल, अपनी चीज या तो देख के लें या अगला कोई लोड करके भेजे पशु, वहाँ जाके आप कोई लेने वाला कुछ बोले तो इसलिए अपनी संतुष्टि करके ही लें, ये सबसे अच्छी बात है। तो सभी ने कीमती टाइम दिया, धन्यवाद करते हैं ऐसे ही प्रयास से वीडियो में अच्छा पशु दिखाने का। सभी जुड़े, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।